हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू रोस्टी चाट, या इसे क्रिस्पी लच्छा चाट भी कहते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार आलू लेंगे और पिलर की सहायता से इनको छील लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में पानी डालेंगे और इसमें आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये हमारे सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी चेंज करेंगे। एक और मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। और ये सारे ग्रेट किए हुए आलू इसमें डाल देंगे, ताकि जो इनमें थोड़ी बहुत स्टार्च बची हुई है वो भी निकल जाए। जितनी स्टार्च कम होगी उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे। अब हम आलूओं को निकाल कर एक पतीले में डालेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ध्यान रखिए, गैस धीमी ही होनी चाहिए, हमें इसे उबालना नहीं है। सिर्फ गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रखना है। इसमें नमक डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आलूओं को किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। ये हमने सारे आलू निकाल लिए हैं। अगर आपको इसमें पानी ज़्यादा, अभी भी जैसे पानी ज़्यादा लग रहा हो, तो आप इसको स्क्वीज भी कर सकते हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे कॉर्नफ्लोर आलू जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी एक तरफ से लाल हो गया है। अब हम उसको पलट देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे सारे पोटैटो रोस्टी रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी चाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 बाउल लिए हैं। इसमें हम रोस्टी को थोड़ा सा बाइट के साइज में काट के रखेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप दही में 2 चम्मच चीनी डाल के उसको बीट किया है। इमली की चटनी डालेंगे। इसकी भी मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। डालेंगे
आप इसकी जगह चुकंदर भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी आलू रोस्टी चाट रेडी है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय, बाय बाय।